तो हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम राज्यपाल की क्षमादान शक्ति पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए एजी पेरारिवलन की सजा को परिहार रिमिशन करने की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए जो अभी तक इनकी सजा है वो लंबित है राज्यपाल के पास तमिलनाडु के। तो क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियों का अध्ययन हम करेंगे। तो राष्ट्रपति क्यों देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति कौन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करा दिए गए। कौन से मामले हैं, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय के दिए गए दंड में, तथा यदि दंड के स्वरूप मृत्यु दंड हो। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान शक्तियां रखता है, परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई राज्य विधि में मृत्युदंड की सजा निर्धारित करती है तो भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास। आप देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में निम्नलिखित शामिल है। जो राष्ट्रपति है हमारे, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, जो प्रेसिडेंट हैं उनकी क्या है, क्षमादान, पार्डन करना। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को सजा, दंड, दंडादेश एवं निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। क्षमा कर दो कतई। लघुकरण, कम्यूटेशन, इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, ठीक है। उसके बाद आता है परिहार, रिमिशन, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। तो रिमिशन कर दिया हमने, सजा की अवधि अगर बदल देंगे तो हम उसे रिमिशन कहलाएगा। अगर उसे कम कर देंगे, लघुकरण, मृत्युदंड को कठोर कारावास में, तो एक कम्यूटेशन हो जाएगा। विराम, रिस्पाइट, विशेष परिस्थितियों में की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण, उसको क्या करेंगे, सजा को कम कर देंगे। रिस्पाइट, प्रविलंब, रिप्राइव कर देंगे, या किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया से संबंधित, जैसे फांसी तो कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। अब यहीं पे राज्यपाल की बात करते हैं। राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित नहीं कर सकता। मृत्युदंड की सजा को निलंबित, परिहार उसका लघुकरण कर सकता है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित, परिहार और उसका लघुकरण कर सकता है। तो ये दोनों लगभग ही समान हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए जो है अनुच्छेद 72 में इसका जिक्र है, और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 161 के तहत है। किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान शक्तियां रखता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के मध्य तुलना अगर करें, तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग किया। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को कम, क्षमा करने, लघुकरण करने के संवैधानिक अधिकार हैं, या असीमित शक्ति है, और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जबकि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना पड़ता है। अनुच्छेद 72, उसके पास क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार करने के अधिकार है, ठीक है। तो ये हमने इसमें पढ़ा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो याद करेंगे फिर से हम अनुच्छेद 72 में जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को बताया गया, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की शक्तियों की बताई गई है क्षमादान शक्तियों के बारे में, और फिर राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां क्या है, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। पार्डन मतलब क्षमा करना, लघुकरण मतलब कम कर देना, परिहार मतलब सजा की अवधि को बदल देना, विराम मतलब
विशेष परिस्थितियों में उसकी सजा को कम करना, और प्रविलंब मतलब जैसे फांसी के लिए कुछ समय के लिए टाल देना, रिप्राइव कर देना, ठीक है? ओके।